सो है गाइस व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन गाइस। आई थिंक आप सभी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, अगर करते हो ये वीडियो आपके लिए तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना गाइस। अगर आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो तो कभी ना कभी आपके दोस्तों ने या अदर्स किसी ने आपको जरूर अंग्रेजी या अदर्स कोई भी लैंग्वेज में आपको SMS भेजा, लेकिन इसका मतलब क्या है आपको बिल्कुल पता नहीं। इसका मतलब पता करने के लिए आप लोग इसी SMS को कॉपी करते हो, फिर गूगल में जाके इसका मतलब पता करते हो। गाइस अगर ऐसे होता आप व्हाट्सएप पर रह के किसी भी लैंग्वेज में कोई भी SMS को अगर आप पढ़ सकते हो, इसका मतलब पता कर सकते हो और इंस्टेंटली रिप्लाई कर सकते हो तो कैसे होता दोस्तों? क्या दोस्तों अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट में क्लिक किया और इसके अंदर जो लैंग्वेज आपको बिल्कुल पता नहीं कौन सा लैंग्वेज और क्या लिखा है, लेकिन दोस्तों जस्ट वन क्लिक में वो आप पढ़ सकते हो भी आपको मनपसंद लैंग्वेज में। तो दोस्तों सिर्फ यही नहीं, अगर किसी ने आपके व्हाट्सएप पर SMS भेजा कोई भी लैंग्वेज पर, वो आप पढ़ सकते हो, इसका मतलब पता कर सकते हो और इंस्टेंट और रिप्लाई भी कर सकते हो दोस्तों। आपको कोई मतलब कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके आपको गूगल में जाकर ट्रांसलेट नहीं करना होगा। आप व्हाट्सएप में रह के किसी भी SMS का मतलब कोई भी लैंग्वेज में कोई भी SMS को आप रीड कर सकते हो, इसका मतलब पता कर सकते हो और इजीली जस्ट वन क्लिक में रिप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम के कैसे करना चलिए वो देख लेते हैं। रुकिए रुकिए दोस्तों, और एक बार देखने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है राजेश और आप लोग देख रहे हैं टेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जेन्युइन कंटेंट और हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे और साथ में बेल आइकन भी ऑल कर लेना, तो मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी, तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों अभी क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले जाना है आपके प्ले स्टोर पर, फिर आपको सर्च करना है हाई ट्रांसलेटर। जैसे आप सर्च करते हो आपके सामने में हाई ट्रांसलेटर आ जाएगी। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं ओपन में क्लिक करता हूँ। तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखने मिलेगी। तो देख सकते हो ऊपर में लिखा है ट्रान ऑन एक्सेसिबिलिटी। तो आपको क्या करना है एक्सेसिबिलिटी पर जाके हाई ट्रांसलेटर को ऑन करना है। तो ऊपर में क्लिक करने से डायरेक्टली आप एक्सेसिबिलिटी में चले जाएगी और फिर हाई ट्रांसलेटर को ऑन करना है। और नीचे में देख सकते हो शॉर्टकट का ऑप्शन है, वो आप ऑन कर सकते हो या ऑफ रह सकते हैं, वो आपका मनपसंद। ठीक है तो फिर मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर जो राउंड सर्कल है यहाँ पर क्लिक करने से वो ऑन हो जाएगी, फिर से क्लिक करने से ऑफ हो जाएगी। इस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और नीचे में देख सकते हो जो लैंग्वेज है तो आपका मनपसंद लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज पर ट्रांसलेट करना है। ठीक है तो दोस्तों आप ही देखा तो किस तरीके से काम करता है। तो मैंने व्हाट्सएप को ऑन कर लिया, फिर जैसे मैं सर्च बार को कोई भी SMS के ऊपर रखते हो आप देख सकते हो आपका मनपसंद सिलेक्ट हुआ जो लैंग्वेज है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका मतलब पता कर सकते हो। ठीक है तो फिर देखा तो आपको कोई भी वेबसाइट पर जाने के बाद आप किस तरीके से कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो और इसका मतलब पता कर सकते हो कैसे। तो मान लीजिए इसको आपको ट्रांसलेट करना है तो सेम टू सेम इसी तरह इसके ऊपर रखना है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसी वीडियो से कुछ हेल्प मिला तो वीडियो कर देना लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पता चल जाएगी और इसी एप्लीकेशन से उन लोगों को बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों शेयर जरूर करना। दोस्तों अगर आप लोगों को इसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद या कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं पूरी ट्राई करूंगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ।